इसका आउटलेट का मैं नाम बता दूं आपको, चटर पटर। और यहाँ काफी डिलीशियस स्पाइसी स्ट्रीट फूड, जो भी स्ट्रीट फूड लवर है ना उनको काफी मजा आने वाला है। और ये मेरा वीडियो जो आज का है काफी खास होने वाला है, जैसा कि आपको बैनर देख के समझ में आ रहा होगा, इंडिया डिलीशियस स्ट्रीट फूड पानी पूरी। तो जो पानी पूरी लवर है, जो चाट लवर है, जो पिज्जा लवर है, उनको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में उनको प्रेजेंट किया जाएगा। A few minutes later. तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक बहुत खूबसूरत सा मैजिक। तो फाइनली आ गया है फूड, और करने जा रही हूँ मैं रेडी, और टेस्ट बताती हूँ और बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या खा सकती हूँ। मैम फर्स्ट पे आलू पेस्ट लगा है, उसके बाद मैम इमली चटनी डाली है। तो ये रेडी हो रहा है चाटीज़ा। अब अगर बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको मैगी कुकिंग कर लेना है, ठीक है, वेजिटेबल मैगी। देन उसके बाद आपको कुक करना है जो मैगी है, इसमें मिक्स करना है ये बारीक सेव है, चॉप कोरिएंडर, इमली चटनी, हरी चटनी, केचप और दही और ग्रेटेड चीज। चलिए लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। दही, इमली चटनी, हरी चटनी, ग्रेटेड चीज, और ये हो चुका है हमारा रेडी मैगी गपा गप। इसके सॉसेस डालेंगे, टमाटो केचप, ब्राउन चॉप कोरिएंडर। आपका रेडी हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, सो टेम्पटिंग। मेरे मुंह का शटर खुल रहा है इतने सारे डिशेस, इतने सारे स्ट्रीट फूड देख करके, बहुत आ रहा है मुंह में पानी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको, मैं सारा कुछ टेस्ट करती हूँ और एक चीज का टेस्ट बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये लेती हूँ, इसे चाटीज़ा कहा जाता है। काफी आप इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत से किया हुआ है। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, कोरिएंडर, सेव एंड टमाटो, केचप, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। मजा जो हाइजीन की बात करें तो यहाँ हाइजीन का काफी ध्यान रखा गया है और काफी टेस्टी लग रहा है। पर चटपटर खा के एकदम जो नाम दिया गया है चॉकलेट का, चटपटर खा के पूरी वैसे फीलिंग आ रही है। ट्राई करती हूँ दिल्ली पापड़ी। आपने पापड़ी बहुत खाया होगा,
लाइक आपने स्ट्रीट फूड जैसे खाया होगा, तो ये दिल्ली का पापड़ी है। तो टेस्ट करते हैं कि बाकी नॉर्मल पापड़ी से इसे दिल्ली का पापड़ी नाम क्यों दिया गया है। तो आप देख सकते हैं नीचे पापड़ी है, ऊपर आपका ये स्टफिंग है लाइक पोटैटो का, एंड बाकी वही कोरिएंडर वगैरह दिया हुआ है। अब इसे खाते और बताते हैं। आपने शॉर्ट नाम सुना होगा, टकीला शॉर्ट, तो ये है चॉकलेट। जो चॉकलेट लवर है तो उनको टकीला शॉर्ट्स नहीं, चॉकलेट शॉर्ट्स। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ, इसे चॉकलेट शॉर्ट्स कहा जाता है। तो आप ये गोलगप्पा है, इसके ऊपर चॉकलेट का, हाँ चॉकलेट से, ये क्या है, चॉकलेट का रैपिंग किया गया, चॉकलेट का रैपिंग किया गया और इसके अंदर पान का सारा फ्लेवर दिया गया है। टेस्ट करते और बताते हैं। तो स्वाद मुंह का हो गया था मीठा पान खाने के बाद, लाइक पान शॉर्ट खाने पीने और खाने के बाद। इसके बाद आता है झरनाट भेल, तो ये काफी लाइक थोड़ा तीखा होगा और भेल से बना हुआ है। तो इसे टेस्ट करते हुए बताते हैं कितना ये तीखा है, देख के तो लग रहा है। ओह माय गॉड, काफी तीखा है, काफी। तो सारे का टेस्ट बताई, वो काफी तीखा था। तो अब इस बारी इसकी आती है, तो इसे जैपी कहा जाता है। नीचे रोटी है, अंदर मैं आपको दिखा दूं कि चीज है, ऑनियन है, इसका स्टफिंग किया गया है। टेस्ट करते हैं और इसे जैपी कहा जाता है। इसकी टेस्ट भी अच्छी है, लाइक पिज्जा वाली फीलिंग आ रही से खा करके। तो जो भी यहाँ पे बेस्ट था, मैं कवर की, टेस्ट की और आपसे अपना टेस्ट शेयर की। अब वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए मैं यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ, एंड आपसे भी बोलूंगी आप भी आइए चटर पिटर में, आके अपने मुंह का शटर खोलिए, काफी मजा आने वाला है। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, मैं फिर मिलती हूँ किसी नए प्लेस पे, नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।